हेलो गाइस, काफ़ी दिन के बाद फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं लाया काफ़ी दिनों से ऐसे किसी टॉपिक पर। और मैं सिर्फ वीडियो लाता था, तो सिर्फ ऐसे ही रेंडम सा वीडियो चलती हुई मशीन को दिखाकर बता देते थे, बताता नहीं था उसमें, बस दिखाता था। तो आज फिर से कई लोग मेरे पास कमेंट किए हैं कि मुझे भी एक वीडियो कोई बना के दीजिए। तो एक सॉफ्टवेयर अभी मार्केट में नया आया है, ये जो है 512 के नॉर्मल फ्लैक्स मशीन है, उसका सॉफ्टवेयर आया हमारे पास। तो हम सोचे कि अभी नए नए जो सॉफ्टवेयर आए हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी इंस्टॉलेशन में, तो फिर से मैं एक वीडियो इस पर बना दूँ, ठीक है। और जिस भाई को चाहिए ना ये सॉफ्टवेयर, वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लेने के लिए। बट हाँ, वही लोग मैसेज करें या फिर कॉल करें कि जिनको लेना रहे, बाकी लोग ना करें प्लीज़, कि सिर्फ फ़ोन करके परेशान करते हैं, भाई ये चाहिए वो चाहिए, लेना तो रहता नहीं है। तो खैर, ऐसे लोग ना करें तो ही बेहतर है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पर चलते हैं। तो अभी मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ 512 का, कि आपको लोग दिखाने के लिए इसमें इसमें है क्या अंतर, ठीक है। तो मैं कोई एक ले लेता हूँ रेंडम सा, तो ये गैथरे का यहाँ पे कहीं पे पड़ा होगा, तो यहाँ पे ये रहा ROIPC, ठीक है। ये अभी आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें उसमें अंतर क्या है, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर दिया और इसमें सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये वर्जन 2.1 का, और मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। अभी इंस्टॉल नहीं किया था। इसमें चेंजिंग क्या क्या है, मैं आपको अभी इंस्टॉलेशन में बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ चेंजिंग हुए हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट, और यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन ले रहा है उसको दे दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया ना सेटिंग का, देखिए उसमें क्या था कि 42 PL था, 50 PL था, 30 PL था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, अगर आप फोर हेड एक प्लेट पे चला जाओ, कैरिज प्लेट पे चलाना चाहते हो तो पहला सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप 8 हेड पे चलाना चाहते हैं तो दूसरा सेलेक्ट करिए, अगर आपके प्लेट में ना कैरिज प्लेट में अगर 6 हेड की रिक्वायरमेंट है कि आप 6 हेड पे चलाना चाहते हो फ्लैक्स मशीन को, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 6x1 करके। वही सेम यहाँ पे भी दिया है 4x4, 16 हेड पे अगर चलाना चाहते हैं तो 16 हेड का यहाँ पे सेटिंग है, उसके बाद 8 हेड का है, फिर 4 हेड का है, फिर 6 हेड का है। तो यहाँ पे दोनों सेटिंगें दी गई हैं। अब ज़्यादातर 4 हेड पे ही चलेगी, मतलब सबके पास मशीन 4 हेड की होती है, कुछ लोगों के पास 8 हेड की होती है, तो 8 हेड वाले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो जो पैरल बना के चलाते हैं 6 हेड में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी 4 हेड का ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 हेड पे सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट कर लीजिए, सिंपल सा है, फिनिश करिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आइकन आ गया है, इसका आइकन इस बार चेंज हुआ है जो पहले था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले आइकन का इस वाले आइकन में अंतर है। ये जो है ROIPC है और ये है UKPC है, ठीक है। तो इसे हम चालू करते हैं, हालांकि ये दोनों सॉफ्टवेयर अगर है आपके पास तो दोनों आप चालू कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चालू है, ये भी चालू करेंगे तो हो जाएगा माइजेट करके। आ तो यहाँ पे अभी देखिए ड्राइवर लिखा है, यहाँ पे USB तो लगा नहीं है मशीन पे, नहीं वीडियो बन रही है, ये मैं अपने घर पे ही बना रहा हूँ। तो अगर ये लगा रहेगा तो ये इरर 111 जो होता है नहीं दिखाएगा, और यहाँ पे लिखा भी है दी कंट्रोल डिवाइस डू नॉट बी ड्राइवन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि USB केबल नहीं लगी है, मशीन से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। और इसमें देखिए सबसे बेहतर चीज़ मुझे क्या लगी, इसका जो है ना इंटरफेस, जो देखिए यहाँ पे इंटरफेस दिया गया, ये चेंज हो गई है पूरी तरह से, ठीक है। और इसका कैलिब्रेशन भी ऑप्शन जो ऊपर कर दिए हैं, जो यहाँ पे प्रिंट कैलिब्रेशन करके, यहाँ पे वर्टिकल प्रिंट हेड स्टेटस स्टेप 2 पास, 3 पास, 4 पास, 6 पास, 8 पास, और उसके बाद कलर ऑफसेट भी यहाँ पे दे दिया गया, बाय डायरेक्शन भी यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। नॉर्मल, लो, हाई,
हाई स्पीड सब दे दिया गया, यहीं पे ऊपर दे दिया गया। और यहाँ पे जो हम लोग मार्जिन लेते हैं जो प्रिंट के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ से भी जो कंट्रोल एरो फॉरवर्ड करेंगे तो आधा हेड वहाँ पे भी यहाँ प्रिंट सेट पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया कैरिज स्पीड, हालांकि यहाँ पे जो पहले वाला था सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा था स्पीड, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड सिर्फ लिखा है। और यहाँ पे इस वाले में लिखा गया है कैरिज स्पीड, डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, बस इसमें आगे कैरिज लिखा गया है, ठीक है। तो आगे और चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया था हमको ये वाला, वही चीज़ प्रिंट में दिखा गया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट स्टार्ट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वही कैलिब्रेशन वाला जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, सेम वही चीज़ यहाँ पे। तीसरा, जो प्रिंट आपने छोड़ रखा है वो यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे, ठीक है, जितने भी प्रिंट आप दे रखे हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर एडिटर है आप, जो हम लोग देखिए इसमें प्रिंट सेटिंग जो है यहाँ पे जो पहले था हम लोगों का इसमें प्रिंट ऑप्शन में, तो वहाँ प्रिंट सेटिंग लिखा गया, जो यहाँ पे सारी सेटिंग है इनबिल्ट देख सकते हैं, वही सेटिंग है सेम यहाँ पे कर दिए हैं। बट इसमें से सारे बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई है, जैसे यहाँ हेड हेड का था प्रिंट, हेड प्रोटेक्शन ये भी निकाल दिया गया है, नेट प्रिंट का ये भी निकाल दिया गया, फ्रूट नोट ऑप्शन ये भी निकाल दिया गया है, कलर बार का है, और ये है जो मटेरियल का, सिर्फ यहाँ पे मटेरियल कलर बार नेट प्रिंट का ये जो है ये सिर्फ है, बाकी डिप्थ जो फीडर है यहाँ पे देंगे, और कैरिज मोशन का है ये भी तो सही है। यहाँ पे देखिए कैरिज मोशन में आप ऑटो पे रख सकते हैं, इसमें उसमें एडाप्टर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है लो नॉर्मल हाइस और ऑटो, ठीक है, इसे दे सकते हैं। और फुट नोट का देखिए इसमें दिया है, लेकिन जो है ये काम नहीं करता सही से इस वाले में, ठीक है, एडवांस है तो इसमें कम देता देता ही नहीं है सही से, मैं तो ट्राई करके देख चुका हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा तो बताइएगा, ठीक है। ये सेटिंग यहाँ से हो गई। उसके बाद आपका आ गया फंक्शन, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का जो प्रिंट हेड का यहाँ से निकाल दिया गया था ना प्रिंट सेटिंग में, वहाँ से निकाल के यहाँ फंक्शन में कर दिया गया है, सेम वही चीज़ जो यहाँ पे साइड में दिया गया है, इनबिल्ट बनाया गया है वो सेटिंग है यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। जैसे आइडल फ्लॉस, हाई फ्लॉस और हाई फ्लॉस टाइम, तो सारे चीज़ यहाँ पे दे रखा है, कि यहाँ पे घुमा दिया गया है ना कि लेफ्ट से राइट, राइट से बना दिया गया। उसके बाद आता है यहाँ पे इसका जो है प्रिंट ऑप्शन का टाइम ख़त्म, मेंटेनेंस में हम लोग देखते हैं ये कैरिज जो है मोशन वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग जो कैलिब्रेशन का सेटिंग आता है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे कैलिब्रेशन में आएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी, जो हम लोग 512 में डबल फायरिंग का हेड होता है, कोई भी हेड हो डबल फायरिंग का ही होता है, 512 512i और 1024 1024i में, सब में डबल फायरिंग होता है ना, सिर्फ जो प्रोटॉन की मशीनें होती हैं या हेड होती हैं प्रोटॉन का, उसका फायरिंग सिंगल होता है, तो ये जो है ये जो दिख रहा है ना ये सब हटा रहेगा, सिर्फ एक लेयर रहेगा ये। तो इसमें एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि राइट से प्रिंट करते जाता है, तो देखते हैं कैलिब्रेशन में कभी कभी ना आउट हल्का हल्का सा रहता है, वो मिलता नहीं है जल्दी, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और सियान को तो आप नीचे वाला कर भी लेंगे एडिट, बट ऊपर वाला ये वाला नहीं होता है, जैसे कि यहाँ आपको दिखा दूँ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे वाला आप एडिट कर सकते हैं, बट ऊपर वाला एडिट नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, जो चाहिए। इसमें ये सेटिंग अच्छी दी गई है कैलिब्रेशन का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप पहले से RYP से चलाते हैं, अगर इसको चलाएंगे तो प्रिंट क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, जिससे अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से चलती है, ठीक है। तो अलाइनमेंट का ही प्रिंट में
सारी काम होता है कि अलाइनमेंट ही बहुत, तो ये चीज़ें इसमें इनबिल्ट कर दिया गया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर हो गया पहले से, अपग्रेडेड जब हुआ है तो पहले से बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मटेरियल ऑप्शन भी है, यहाँ पे नाम दे के सेव कर सकते हैं कुछ भी जो भी है, यहाँ पे जो सेटिंग है अलग अलग सेटिंग अपना बना के यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लेंगे और रिस्टोर करेंगे तो रिस्टोर में ऐसे करेंगे तो फिर से ये 0-0 सब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो, तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। और इसमें ये मोशन में सेम वही चीज़ें हैं जो पहले वाला था, मोशन का जो है ये वही चीज़ें हैं, बट इसमें मैं पासवर्ड नहीं लगा खोला हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही चीज़ें हैं। और इसका भी पासवर्ड यहीं से खुलता है, जैसे कि मेंटेनेंस में जाएंगे सेम पासवर्ड है, और प्रिंट व्यू में जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुल गया। और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन हटाया गया, जैसे यहाँ पे बहुत सारा है, तो जैसे वाइट डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन और एक्स लिमिट, वाई लिमिट, डाटा रिवर्स, पल्स, तो इसमें 8 ऑप्शन दिया गया, इसमें सिर्फ आपको दिया गया 5 ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें कम किया गया है। और एक चीज़ इसमें देखिए, ऑटो कैलकुलेट इससे लिखा गया और इसमें आ कैलकुलेट लिखा गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद वोल्टेज में जाइए, वोल्टेज का फ्यूचर देखिए, ये जो है फ्यूचर अलग चेंज किया गया, सॉरी फीचर, ठीक है, तो मेरे मुंह से निकल गया, फ्यूचर फीचर जो होता है अलग हो गया, ठीक है। और इसका वोल्टेज का देखेंगे तो यहाँ पे मैं कोई डिफॉल्ट ले, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन लेता है। और इस वाले में जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ भी नहीं लेगा, आप एक बार वोल्टेज एडजस्ट कर दीजिए उसके बाद ये ऑटो पे चलता रहता है। ये इसमें जो है अगर वोल्टेज ज़्यादा भी हो रहा है तो बेस वोल्टेज उसका बताता रहता है, फैक्टर कितना है इस मशीन में, कितना अकॉर्डिंग जो भी रहेगा यहाँ पे फैक्टर में शो करता रहता है यहाँ पे सब में, ठीक है। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा, बट आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर अगर चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट जिस भाई को चाहिए वही लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बट हाँ एक चीज़ और भाई, देखो सब कुछ मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, कि आप फ्री में आपको दे दूँ और आप जो है बाद में बोलते हो कि आपने ऐसा किया वैसा किया, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो है अगर ये सॉफ्टवेयर लेंगे तो इसका चार्ज मैं बता देता हूँ, 1500 रुपये लूँगा और आपको दे दूँगा, और इसके साथ आपको ड्राइवर भी दे दूँगा, ठीक है, जो इसका ड्राइवर है ड्राइवर भी दे दूंगा। ड्राइवर इसका हालांकि दूसरा ड्राइवर है, ये ड्राइवर नहीं, AIO की कंपनी जो बनाई है वो वाला ड्राइवर इसमें देंगे हम। तो ड्राइवर मान के चले 350 MB का है, और ये सॉफ्टवेयर जो ये 7-8 MB का है, ठीक है, इतने MB का ये सॉफ्टवेयर है। और हाँ अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, कि आप लोग इंस्टॉलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ना आपका ऑनलाइन इंस्टॉलेशन भी कर दूंगा, बट ऑनलाइन इंस्टॉलेशन का अलग चार्ज लगता है, ठीक है। तो और दूसरी बात कि मेरी वॉइस थोड़ी सी खराश से जैसे आ रही है, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया, तो आई होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग फ्लेक्स मालिक देख रहे हैं तो अपने ऑपरेटर के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करें, ताकि आप हमेशा फ्लेक्स मशीन पर रहते नहीं हैं, आपके ऑपरेटर ही रहते हैं, तो आप अपने ऑपरेटर के पास शेयर करें, उनको नॉलेज की ज़रूरत होती है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पहले ऑपरेटर को ही पता चलता है, बाद में मालिक को, जो फ्लेक्स मालिक होता है उनको बाद में पता चलता है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।